बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने अपनी रेगुलर क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 हमारा जो था फिजिक्स का, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। सेकंड चैप्टर हमारा है काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स में जो हमें क्या होती है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में फिजिक्स की ब्रांच में पढ़ा था मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच थी कि जिसमें हम लोग बॉडीज की किसके बारे में स्टडी करते थे, उनकी मोशन के बारे में स्टडी करते थे। ठीक हो गया। अब मैकेनिक्स की फर्दर हमारे पास कितनी ब्रांचेस होती हैं, दो ब्रांचेस। कौन कौन सी? एक उनमें से काइनेमेटिक्स और एक उसमें से कौन सी हमारे पास, डायनामिक्स। हमारा जो कंसर्न चैप्टर नंबर 2 में होगा वो किसके साथ होगा, काइनेमेटिक्स के साथ। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो फर्दर ब्रांच है कि जिसमें हम बॉडीज की मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं लेकिन उनकी कॉज को स्टडी नहीं करते। ठीक हो गया। और डायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम लोग बॉडीज की मोशन को भी डिस्कस करते हैं और उनकी कॉज को भी डिस्कस करते हैं। डायनामिक्स के साथ जो हमारा कंसर्न है वो चैप्टर नंबर 3 में होगा, वो आगे की बात है। अभी हमारा जो मेन कंसर्न है वो इसके साथ है, काइनेमेटिक्स के साथ। ठीक हो गया। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की मैकेनिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम लोग बॉडीज की मोशन के बारे में पढ़ते हैं लेकिन उनकी मोशन की कॉज क्या है, उन पे फोर्स लग रही है, इनर्शिया उनका कितना है, मोमेंटम कितना है, वो हमारा भी इसका डिस्कस नहीं करेंगे हम उसके साथ। तो ये हो गया हमारा काइनेमेटिक्स। अब जो हमारा मेन नेक्स्ट कंटेंट आता है वो हमारे पास कौन सा आता है, रेस्ट एंड मोशन का। डेफिनेशन बहुत आसान है। रेस्ट क्या है? अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द की बॉडीज के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो उसको क्या कहा जाता है, रेस्ट। क्या कहा जाता है, रेस्ट। अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती देन इट इज कॉल्ड इन रेस्ट। एंड इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है देन उसको हम लोग किसमें कहते हैं, मोशन। तो इससे हमें बात पता चलती है कि रेस्ट एंड मोशन में जो मेन हमारे पास चीज अपना रोल प्ले कर रही है वो क्या है, बॉडी की सराउंडिंग। वो क्या है, बॉडी की सराउंडिंग। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, अगर हमने उसको एक टेबल पे रखा हुआ स्टिल, वो मूव नहीं कर रही, तो वो बॉडी जो है वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। इस वजह से वो जो बुक होगी वो किस स्टेट में कहलाएगी, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और अगर एक कार है वो मूव करती हुई जा रही है, अब उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग होंगे, जो भी होगा, उसके लिहाज से वो कार एक जगह पे स्टिल नहीं है, दैट कार विल बी कॉल्ड इन मोशन। उस कार जो कार होगी उसको हम लोग किसमें कहेंगे, मोशन। ठीक हो गया। अब एक जो हमारे पास मेन चीज है वो नीचे आपके डेफिनेशन के नीचे लिखी हुई है, वो कह रहे हैं कि रेस्ट और जो मोशन है वो एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, वो एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या है कि रेस्ट और मोशन का एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है। एक बॉडी एट अ टाइम आपकी रेस्ट में भी हो सकती है और उसी वक्त वो बॉडी आपकी मोशन में भी हो सकती है। इस एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, ए है ए, ए है बी, दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं मून को। किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मून को। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ए इज स्टिल एंड बी इज इन मोशन, बी मोशन में और ए जो है वो अपनी जगह पर स्टिल है। अब अगर ए अपनी जगह पर खड़े होकर मून को ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिहाज से जो ए है, जो मून है, वो ए के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो किस में है, रेस्ट में। तो ए के लिहाज से मून किस में होगा, रेस्ट में, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो ए के लिहाज से मून आ गया रेस्ट में। अब हम अगला डिस्कस करते हैं जो बी के लिहाज से मून को ऑब्जर्व करते हैं, बी है मोशन में। हम लोगों ने बाज़ बाइक पे जाते हुए मून को ऑब्जर्व किया होगा, हमें ऐसे लगता है कि मून भी हमारे साथ साथ क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो बी के बी जो कि मूव कर रहा है वो जब मून को देखेगा तो उसके लिहाज से मून किस में हो जाएगा, मोशन में। तो एट अ टाइम मून ए के लिहाज से स्टिल है यानी कि रेस्ट में है और बी के लिहाज से किस में है, मोशन में, यानी कि मूव कर रहा है। वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इस वजह से जो बी के लिहाज से मून
होगा वो उसी वक्त मोशन में है कि जिस वक्त वो मून ए के हिसाब से किसमें है, रेस्ट में। तो इसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव केस, के जब एक बॉडी एक केस दूसरे के साथ इंटरलिंक हो जाए, आपस में उन दोनों का कनेक्शन कायम हो जाए, देन दैट बोथ केसेस आर कॉल्ड एज अ रिलेटिव केसेस। ठीक हो गया। अब फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन का। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करना है, इसमें हमारी मोशन की सारी टाइप्स एक ही बार में डिस्कस हो जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन जिसको कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, कहते हैं अगर कोई बॉडी ए, तो डिस्कस कर रहे थे ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या थी कि अगर कोई बॉडी एक लाइन के गेट मूव करती है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन का। क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन का। कहते हैं अब आपको ये बात याद रखनी है कि वो जो लाइन जिसके गेट आपकी बॉडी मूव कर रही है, वो लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है कोई सच लाइक दिस, या भी वो आपकी लाइन एक कर्व शेप भी हो सकती है। ठीक हो गया। तो हमें क्या पता चला कि ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी मूव करती है लाइन के गेट, लेकिन इसमें एक जो कंडीशन है वो ये है कि ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी की जो रोटेशन है उसका कितना चांस होना चाहिए, 0%। आपकी जो बॉडी है वो ट्रांसलेटरी मोशन में रोटेट नहीं करनी चाहिए। अब आगे से हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन कितनी टाइप्स है, फर्दर 3 टाइप्स है, एक लीनियर मोशन है, एक सर्कुलर मोशन है, थर्ड वन इज द रैंडम मोशन। तीनों को अटेम्प्ट करते हुए आपने डेफिनेशन के साथ दो एग्जांपल्स आपने मस्ट लिखनी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होती है, किसी भी बॉडी की एक स्ट्रेट पाथ में जो मोशन होती है उसको क्या नाम दिया जाता है, लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ एरोप्लेन। अब जो एरोप्लेन होते हैं वो हर मोमेंट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, वो एट अ लॉन्ग डिस्टेंस वो स्ट्रेट पाथ में मूव करता जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर मोशन। उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज अ लीनियर मोशन। देन हमारे पास आ जाती है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नाम का ही मतलब है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, देन दैट मोशन इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन। हम लोगों ने कार्टून्स में देखा होगा कि कुछ टॉय ट्रेन्स होती हैं, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती हैं, आपकी बुक में भी साथ मेंशन है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सर्कुलर मोशन का। एंड द रैंडम मोशन, रैंडम का मतलब क्या होता है, बेतरतीब। क्या मोशन, क्या मतलब होता है उसका, बेतरतीब। तो कहते हैं किसी भी मोशन की, किसी भी बॉडी की जो एक बेतरतीब मोशन है उसको नाम दिया जाता है रैंडम मोशन का। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ इंसेक्ट्स या फिर बटरफ्लाई। अब जो बटरफ्लाई होती है वो किसी तरतीब में मूव नहीं करती, वो अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, जहां मर्जी वो मूव करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन की आगे से एक टाइप है ब्राउनियन मोशन। वैसे तो हर बेतरतीब मोशन को क्या नाम दिया जाता है, रैंडम मोशन का, लेकिन कहते हैं जो गैस मॉलिक्यूल्स होती हैं, उन गैस मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन होती है उसको हम लोग नाम देते हैं ब्राउनियन मोशन का। क्या नाम देते हैं, ब्राउनियन मोशन का, क्योंकि हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी हम लोग एक कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स फिल कर देते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट होती हैं, और इनके दरमियान जो आपस का डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है कि जिसकी वजह से ये रैंडमली मूव कर सकते हैं, बेतरतीब मूव कर सकते हैं, एंड देयरफॉर द मोशन ऑफ रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज अ ब्राउनियन मोशन। देन हमारे पास आती है रोटेटरी मोशन। ये थोड़ी सी बच्चे समझने वाली है। रोटेटरी मोशन क्या होती है, अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करे उसको क्या नाम दिया जाता है, रोटेटरी मोशन का। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ बास्केटबॉल जो होते हैं एथलीट्स वगैरह, वो अपनी फिंगर टिप पे बास्केटबॉल को क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। तो उस केस में जो आपका बास्केटबॉल है वो हमारी फिंगर टिप पे रोटेट कर रहा है, एंड दैट केस आवर फिंगर टिप्स एक्ट एज अ एक्सिस। वो क्या एक्ट करती है, एज अ एक्सिस, और उसको क्या कहा जाता है, रोटेटरी मोशन। तो मेन फर्क हमें रोटेटरी और सर्कुलर मोशन में क्या पता चलता है कि रोटेटरी मोशन में बॉडी मूव करती है ऑन द एक्सिस, एक एक्सिस में, और जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें हमारे पास कोई एक्सिस नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम फैन की बात करते हैं, तो फैन का जो पैदा होता है प्लेट होती है, उसकी जो मोशन होती है वो कौन सी होती है, रोटेटरी मोशन, और उसके जो पर होते हैं उनकी जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है। कौन सी मोशन होती है,
मतलब हर पोजीशन पर जो स्टोन है वो अपनी पोजीशन चेंज करता करता वापस अपनी जगह पर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन रोटेटरी मोशन में जो बॉडी है वो अपने एक्सिस की उसी जगह पर क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रोटेटरी मोशन। व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस वो लाइन है कि जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, कहते हैं अगर कोई भी बॉडी अपनी मीन पोजीशन क्या होती है, वो पॉइंट कि जिसके गिर बॉडी वाइब्रेट करती है। कहते हैं अगर कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन गिर लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन मूव करती है, वाइब्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ वाइब्रेटरी मोशन। उसको क्या नाम दिया जाता है, वाइब्रेटरी मोशन। में हम लोगों ने मूवीज में कार्टून में पेंडुलम्स देखे होंगे क्लॉक्स के, वो पेंडुलम क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, एंड दैट द मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कैटेगराइज्ड एज अ वाइब्रेटरी मोशन। उसको क्या नाम दिया जाता है, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक हो गया।